चिकन लेग पीस और वेकेंड बाइट के सागर भाई। वन, ये क्या था भाई? भाई साहब पूरी की पूरी थाली आ चुकी है हमारे असुर थाली। चिकन लेग पीस नहीं, लेकिन चिकन के सारे आइटम है। चिकन लेग पीस यहाँ पे लेके घूमता हूँ, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये है। बाप रे बाप, घंटी बजा के पहली वॉर्न कर दी है कि इतना सारा खाना है कि अकेले मत आना। तो भाई मैं अपने दो स्पेशल गेस्ट वेकेंड बाइट और चिकन लेग पीस जी हाँ, उनके साथ आ गया हूँ। आज यहाँ पे खाएंगे भाई असुर थाली, जो भाई ने इन्वेंट करी थी और 15 मिनट के अंदर वो थाली खत्म कर चुके भाई। तो वो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, और भाई ने भी एक थाली इनका खाया है फिश वाला, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। दोनों को करो सब्सक्राइब। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं भाई ये थाली जो है इसके अंदर है क्या क्या, दिखाते हैं, खत्म ही कर लेते हैं ना पूरा, खत्म ही करते हैं। 27-28 आइटम भाई, 2000 रुपए जिसमें 6 बंदे आराम से खा सकते हैं। चलिए भाई, ये है जी संगीता जी, जिनके नाम पे ये रेस्टोरेंट है संगीता किचन के नाम से, और पिछले 9 साल से ये बिजनेस पे हैं, इस बिजनेस पे। और ये पहले आज भी वही कर रही हैं जो पहले जिससे इन्होंने स्टार्ट किया, रोटी बनाना। तो ये रोटी बनाती थी, और सिर्फ रोटी बनाते थे ना पहले, सिर्फ रोटी बनाते थे और रोटी मतलब की बेचते थे। तो आप देखो आज इन्होंने इतना मेहनत के बाद इतना बड़ा इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला है, और वहाँ पे इतना बड़ा थाली मिलता है, मुंबई का सबसे बड़ा थाली और सबसे टेस्टी थाली। और लास्ट भाई हमारे को स्पेशली यहाँ पे लेके आए, और आज हम आपको दिखाएंगे कि वो थाली में क्या क्या है, कितने रुपए का है, और हमारे साथ कौन कौन वो खाने वाला है, क्योंकि स्पेशल गेस्ट अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि वो कौन कौन लोग हैं और कौन कौन खाने वाला, और थाली में एक्चुअली है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो थाली के लिए प्रिपेयर हो रही है। चलिए, ये लग रहा है बिरयानी, और ये बिरयानी इस पैन में ही बनता है। अगर आप एक प्लेट भी मांगोगे ना, तो वो एक प्लेट भी ऐसे फ्रेश बनाएंगे आपके लिए, और ऐसे ही तैयार किया जाता है बिरयानी। अब इसको ढक रहे हैं क्योंकि इसको ये पका रहे हैं बढ़िया सा। कौन सा बिरयानी है ये? चिकन दम बिरयानी। तो ये देखो भाई, यहाँ का इस थाली का ये हीरो है, हीरो ऐसे लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो भी थाली खा के गए इनको फीडबैक दिया है कि मटन कीमा पुलाव यहाँ का सबसे टेस्टी पुलाव है, थाली के अंदर सबसे बेस्ट आइटम लगता है उनको। नाउ मिक्सिंग प्लेन राइस, और ये आप देखो भाई, मतलब कि जब आप इसको टेस्ट करोगे ना यहाँ पे आके थाली में, तो आप वाकई में बोलोगे वाह क्या मज़ा आ गया यार, सीरियसली। तो मैं आपको बोलूँगा भाई कि आप एक बार यहाँ पे आए संगीता किचन और ट्राई करें, गारंटी देता हूँ टेस्ट नंबर 1 रहेगा। तो चलते हैं, दिखाएंगे आपको कि थाली लगा कैसे रहे, प्रिपेयर कितनी बड़ी थाली है और क्या क्या थाली है। चलिए, अरे भाई साहब ये देखो हमारी असुर थाली रेडी हो गई है, और हमारे स्पेशल गेस्ट भी आ गए हैं, जिन्होंने एक्चुअली वो दो बंदे जिन्होंने एक्चुअली ये थाली को इन्वेंट किया यहाँ पे, संगीता किचन। ये देखो भाई, बाप रे बाप, घंटी बजा के पहली वॉर्न कर दी है कि इतना सारा खाना है कि अकेले मत आना, कम से कम 5-6 लोगों को लेके आना। तो ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये एक थाली है। बाप रे, अमेजिंग सोल कड़ी, वाह। तो ये देखो भाई साहब, पूरी की पूरी थाली आ चुकी है हमारे असुर थाली, और ये रहे हमारे दोनों गेस्ट भाई, चिकन लेग पीस और वेकेंड बाइट के सागर भाई। एक्चुअली में वेकेंड बाइट ने ये थाली इन्वेंट किया था, और मैं कह रहा हूँ भाई मज़ा आ गया था सीरियसली वो वीडियो देख के, और सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब एक इनका एक दूसरा थाली भी है फिश वाला जो भाई ने किया था, है ना, और उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। और ये भाई ने भी जो ये थाली खाया था वो भी देखना, 15 मिनट में खा के ना, 10-15 मिनट में पूरा थाली खा गया भाई, क्या बात है। तो एक बार संगीता जी से पूछते हैं, ये रही हमारी संगीता जी, जो जिन्होंने एक्चुअली ये खाना बनाया, और एक बात बताऊं, ये वेजिटेरियन है भाई, गॉड बोला वेजिटेरियन होकर इतना बढ़िया खाना बना लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो अब बताते हैं आपको कि क्या क्या है इस थाली के अंदर एक्चुअली में। तो ये तो मुझे पता है कि सोल कड़ी है, ये चिकन लॉलीपॉप है, चिली चिकन है, ये 3 तरीके का खाकरी है, रोटी है, और की है, रागी की है, अच्छा की है। और ये सब्जियों में क्या क्या है बताएंगे एक बार? सब्जियों में ये तो फ्राई अंडे है, ठीक है, बोनलेस पकोड़े है, ओके, बटर चिकन है, ओके, कलेजी फ्राई है, हाँ, चिकन सूखा है, अरे बाप रे, मसाला है चिकन का, हाँ, चिकन की करी है, अरे बाप रे, मतलब मजा आने वाला आज, मटन मसाला है, ठीक है, मटन सूखा बनाया हुआ है, ठीक है, और ये भी मटन के साथ सूखा ही दिया हुआ है, अच्छा, एंड दिस वन इज मटन कीमा है, हाँ, नहीं ये मेरी गलती हुई है, वजड़ी है, हाँ, और ये मसाला है, ठीक है, ये चिकन की हंडी है, ठीक है,
ये तो कीमा राइस हो गया, कीमा है। हाँ, और ये चिकन बिरयानी का पुलाव है, चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी और पापड़ एंड प्लेन राइस, सादा राइस है, रायता है, शेजवान चटनी है इसके साथ। बाप रे बाप, मैं लगता घर चला जाऊँ, खत्म ही नहीं ये खत्म नहीं होने वाला, ये खत्म नहीं होने वाला सारा। बट इसीलिए इसीलिए मैंने इन दोनों को बुलाया, इसीलिए मैंने इन दोनों भाइयों को 2000 रुपीज की है। 2000 कितने लोग खा सकते हैं? इसको 6 लोग खा सकते, 6 लोग इंजॉय कर सकते हैं। और हम लेकिन हम नए लोगों की उम्मीद बता रही हूँ, लोग हमेशा पूछते हैं फोन करने के बाद इसके साथ कुछ और नया कीजिए। मैं कुछ नया मतलब क्या, कुछ मेनू बढ़ाऊं? हाँ। तो नहीं, कुछ चैलेंज दीजिए। चैलेंज, चैलेंज क्या करना है, कैसे करना है, ये आप लोग ही सोचेंगे। तो ये दोनों ही बताएंगे कुछ नया। आगे आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि ये चैलेंज में क्या है, हो जाएगी थाली सीरियसली। लेकिन अभी हम चैलेंज नहीं, अभी हम आराम से इंजॉय करने वाले हैं। तो करते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। चार, तो भाई ये देखो भाई, तरह मज़ेदार फूड है। तो सबसे पहले तो मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी करो भाई। ये लो, हम भी करेंगे। ये क्या, इसे क्या कहते हैं, रोटी सिंपल, चपाती, 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 चपाती इसको बोलते हैं। अच्छा, अरे रोटी हम वही चपाती। तो ये देखो भाई, हम करते हैं मटन से शुरू यहाँ पे। इसको भाकरी बोलते हैं, भाकरी और चिकन का ग्रेवी। क्या बात है। ये रहा भाई हमारा चिकन लेग पीस, नहीं है पर चिकन लॉलीपॉप है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपको टेस्ट भाई? बहुत बढ़िया कह रहा हूँ ना, मटन तो एकदम क्लास बन गया है यहाँ पे, एकदम स्पाइसी स्पाइसी वाला, हम लोग जैसा खाते वैसा। काफी स्पाइसी है बट टेस्ट एक नंबर, एक नंबर टेस्ट है। वैसे भी यार महाराष्ट्र फूड बहुत स्पाइसी होता है ना, स्पाइसी मसालेदार और चटपटा। महाराष्ट्र फूड अगर स्पाइसी हो ही ना तो मज़ा ही नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा एकदम, मतलब स्पाइसी होना ही चाहिए भाई। हार नहीं माननी, हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है। ये है भाई इनका कीमा पुलाव जो मैंने दिखाया भी था अंदर, दिस इज रियली अमेजिंग। भाई वाकई में इस थाली को ख़त्म कर लेंगे ना, असुर ही चाहिए, राक्षस ही चाहिए। हैट्स ऑफ टू हिम जो जिसने एक्चुअली में है, जितना एक्चुअली में बढ़िया सा बनाया, इतना बढ़िया थाली बनाया है नॉनवेज लवर के लिए, इतना बढ़िया। बट एक बात का ज़रूर दुख है मेरे को कि इसमें चिकन लेग पीस नहीं है। चिकन लेग पीस नहीं, लेकिन चिकन के सारे आइटम, सारे आइटम है। चिकन लेग पीस यहाँ पे लेके घूमता हूँ, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये है। अभी थोड़ा सा खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट आना चाहिए। हाँ वही ट्विस्ट चाहिए कुछ तो, ऐसा तो क्या मतलब ट्विस्ट चाहिए? ट्विस्ट मतलब हमारे सागर जी थोड़ा सा एक एक्सप्रेस दिखाएंगे थोड़ा सा आपको। ऐसा है भाई, एक छोटा सा, छोटा सा चैलेंज तो हो जाना चाहिए। यस यस वही मैं बोल रहा हूँ, ये पानी की तरह हमारा, मैं बोलूंगा ठीक है। 1 ये क्या था भाई? भाई साहब ये पापड़ चैलेंज है। और भाई मेरे को लग रहा है 2 सेकंड 1 सेकंड में भाई फिर ये तो ताली भर जाने का तो बोलेगा भाई साहब। ऑडियंस ऑडियंस बताएगी कि जीता कौन, सबसे पहले किसने किया, किसने जीता। तो भाई ये तो सिर्फ एक मजाक है, लेकिन सीरियसली थाली बहुत बढ़िया है। आप कभी भी यहाँ पे आए तो इसे ट्राई कर रहे, मजा आ जाएगा। और भाई हमें बताना है, हमें बताना कि भाई आपको थाली कैसे लगी। 2000 रुपये इसकी कॉस्ट है। और कहाँ पे आना, ये एरिया कौन सा भाई बताओ? चकाला मेट्रो के पास, अंधेरी ईस्ट चकाला, चकाला में संगीताज किचन में। जो आपने बहुत सारे वीडियो देखे हमारे, तो आप यहाँ पे आ जाओ खाने के लिए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आते हो तो भाई ये आसुर
थाली जरूर ट्राई करना। असुर बन गया, असुर बन गया ना, मत खा के आ जाओ, वरना मत आना। पूरा रात कुछ नहीं खाने का, इधर आके पूरा दिन का खाने लेके। हाँ नहीं तो फिर मत आना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको जल्दी से एक नए एपिसोड के बाद, बहुत जल्द हम करते हैं खत्म और मिलते हैं आपको जल्दी।